हरियाणा के रोहतक में स्थित मेहर सिंह अखाड़े में उस समय हड़कंप मच गया जब यहां फायरिंग हो गई। अखाड़े में फायरिंग की इस घटना में 5 लोगों की मौत हो गई है और 4 लोग घायल हैं। बताया जा रहा है कि इन लोगों में 2 कुश्ती कोच और 1 महिला पहलवान शामिल है। हालांकि इस संबंध में पूरी जानकारी सामने आना अभी बाकी है। अखाड़े में फायरिंग की इस घटना के पीछे पुरानी रंजिश बताई जा रही है। एक कोच पर फायरिंग के आरोप लग रहे हैं। फिलहाल घटना की सूचना मिलने के बाद भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंच गई है। घायलों को नजदीक के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है। घटना के बाद से अखाड़े के आसपास के इलाकों में हड़कंप मचा हुआ है। बताते चले कि हरियाणा के रोहतक जिले में शुक्रवार शाम एक अखाड़े में हुए शूटआउट में 5 लोगों की मौत हो गई। इस घटना में कई अन्य लोग घायल भी हो गए हैं। घायलों में से 2 की हालत नाजुक है। यहां यह भी बता दें कि रोहतक के पुलिस अधीक्षक राहुल शर्मा ने पहले कहा था कि घटना में 3 लोगों की मौत हुई है और कुछ लोगों का अस्पताल में इलाज कराया जा रहा है। बाद में रोहतक के एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि गोलीबारी में 5 लोगों की मौत हुई है। शर्मा ने कहा कि घटना के बारे में जानकारी जुटाने के लिए हमने दलों का गठन किया है। इधर रोहतक रेंज के IG संदीप खिरवार ने बताया कि फॉरेंसिक विशेषज्ञ और पुलिस की जांच टीम घटनास्थल पर सारी पड़ताल कर रही है। इस संबंध में एक अन्य पुलिस अधिकारी ने बताया कि मरने वालों में एक कुश्ती कोच भी शामिल है। अधिकारी ने बताया कि घायलों में 3 वर्षीय एक बच्चा भी है। अधिकारी ने कहा कि शुरुआती जांच के मुताबिक कुश्ती के एक कोच ने कथित तौर पर गोलीबारी शुरू कर दी, लेकिन सटीक विवरण का पता लगाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अखाड़े में कुश्ती सिखाने वाले कुछ लोगों के बीच दुश्मनी इस घटना का कारण हो सकती है। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने कहा कि शुरुआती जांच से पता चलता है कि गोलीबारी एक पुरानी दुश्मनी के कारण हुई है। 5 मृतकों में से 3 की पहचान प्रदीप मलिक, पूजा और साक्षी के रूप में हुई है। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घायलों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल ले जाया गया है। बता दें चले कि हरियाणा के रोहतक में स्थित मेहर सिंह अखाड़े में उस समय हड़कंप मच गया जब यहां फायरिंग हो गई। अखाड़े में फायरिंग की इस घटना में 5 लोगों की मौत हो गई है और 4 लोग घायल हैं। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। बैंक्वेट्स लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD बैंक्वेट्स एंटरप्राइज।